नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विस्थापितों की आपत्ति आवेदन करने की तिथि बढ़ाए जाने के संदर्भ में श्री रेणुका जी बांध जन संघर्ष समिति के महासचिव संजय चौहान के नेतृत्व में जिलाधीश जिला सिरमौर से शिष्टाचार भेंट की गई। इस अवसर पर प्रेस सचिव योगेश ठाकुर, दुर्गा राम शर्मा, कोषाध्यक्ष हरीश चंद्र शर्मा, सुखचैन ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत पराड़ा सोमदत्त शर्मा, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत गवाही और विजय कुमार आजाद समेत अन्य ने श्री रेणुका जी बांध परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले गांव में विस्थापित किसानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा की और ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि जन संघर्ष समिति के शिष्टमंडल की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया और आपत्तिजनक आवेदन पर विस्थापित परिवारों को आश्वासन दिया। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जीडी शर्मा की रिपोर्ट। मैंने भी देखा कि रेणुका जी बांध परियोजना के जो प्रतिनिधि मंडल में से भी मिला है यहाँ पे विस्थापित जो लोग हैं, हमने ऑलरेडी इसमें एक नोटिफिकेशन इशू की थी जिसके हिसाब से इन केस अगर कोई लोग छूट गए हैं या कोई क्लेमेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रॉपरली असेस नहीं हुई है कि उनकी लैंड कितनी एक्वायर हुई है, हाउसलेस हुए हैं नहीं हुए हैं, तो उसके लिए हमने एक कमेटी फॉर्म की थी जिसमें हमने दो लोग परियोजना वालों की तरफ से और एक हमारे तहसीलदार हैं, तो एक महीने की अवधि हमने इनको दी है अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए। तो उस दौरान हमारी तो ये कोशिश थी कि हम प्रॉपरली इसको पब्लिसाइज कर लें ताकि जितने भी अफेक्टेड हैं उन लोगों को पता चल जाए। तो जो इन्होंने अभी मुझसे एक रिक्वेस्ट की है तो मैं इसको लीगली देख लेता हूँ, अगर इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी सी भी होगी तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारे लिए जो सर्वोपरि इंटरेस्ट है वो इनका बांध विस्थापित लोगों का है। एक्ट में प्रोविजन होगा उसके हिसाब से ही होगा, जो आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है जो उसमें एक्चुअल को ओनर्स हैं उनको ही कंपनसेशन मिलता है, तो इसमें और कोई इशू नहीं है, जो उसमें एक्चुअल को ओनर्स होंगे उन्हीं को मिलेगा। धन्यवाद। हमारी फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।